हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूं आपसे यहाँ सबसे पहली न्यूज के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज है वो निकल करके आती है रेडमी की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर रेडमी जल्दी ही अपनी के सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है चाइना में। इस स्मार्टफोन का नाम होगा रेडमी के 50। रेडमी के 50 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर अगले साल फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। ये चीज डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन बेसिकली फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले हैं, और उसके बाद में वहां पे मे बी लॉन्च होने के बाद में ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाए। आपका क्या कहना है रेडमी के 50 सीरीज के बारे में? क्या आप यहाँ पर रेडमी की अपकमिंग रेडमी के 50 सीरीज का वेट कर रहे हैं? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल कर आती है रियलमी की तरफ से। अभी अभी तुरंत मांथो सेट ने उनके रियलमी GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है उसको टीज कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने काफी सारे स्मार्टफोन की स्केच इमेजेस को रखा हुआ है और पूछा हुआ कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि Realme GT Master Edition स्मार्टफोन की डिजाइनिंग कौन सी है। तो यहाँ पर इसी में से एक जो डिजाइनिंग है वो आपको Realme GT Master Edition में देखने को मिलने वाली है, और आप कह सकते हैं कि इस टाइप की डिजाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल कर आती है रेडमी की तरफ से। दोस्तों, रेडमी नोट 10T जो 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है जुलाई के महीने में, इसकी लॉन्च डेट वगैरह आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी आपको कल इन्फॉर्म किया ही था। अब यहां पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि इस स्मार्टफोन की इंडिया प्राइस को लेकर के एक छोटी सी लीक निकल कर आई है। दोस्तों, यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो रेडमी नोट 10T 5G स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है, इसकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं आपको पोको M3 प्रो स्मार्टफोन से कम ही देखने को मिलने वाली है। मे बी ये कंफर्म नहीं है, लीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उससे 1500 रुपये इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर कम ही आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या इसकी जो प्राइस है वो इंडिया में 12999 रुपये होने वाली है? यार, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर 11-12 हज़ार रुपये के आसपास पर ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर रियलमी 8 और पोको M3 प्रो दोनों स्मार्टफोन के ये जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्पीट कर ही देगा। अब आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो भी फिलहाल यहां पर निकल जाती है रेडमी की ही तरफ से। दोस्तों, यहां पर Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी एक सेल चलाई जा रही है जो कि है मी एनिवर्सरी सेल। उनकी 7th एनिवर्सरी पे यहां पर सेल हो रही है। अब यहां पर इनके एनिवर्सरी सेल में रेडमी वगैरह के Xiaomi वगैरह के ज्यादातर जो स्मार्टफोन वगैरह है जो प्रोडक्ट वगैरह है उनपे आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। अब जब तक इनकी सेल चल रही है उसके बीच में आपको रोज दिन के 10 बजे एक हॉट डील ये लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं, जिस डील में यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन वगैरह होता है उस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। अब आज यहाँ पर 10 बजे Redmi Note 9 स्मार्टफोन हॉट डील में एडेड था। यहाँ पर इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो इस हॉट डील में कुछ 7,222 रुपये का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था Xiaomi की तरफ से। अब यहाँ पर ये स्मार्टफोन कितने लोगों को मिला ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये कहा है कि यार हम तो चेक करते ही रह गए, कहाँ ये स्मार्टफोन 7,222 रुपये का आया। तो Xiaomi वालों ने कहा है कि ये डील लिमिटेड लोगों के लिए होती है। जैसे ही ऑफर वाला स्टॉक यहाँ पर खत्म होता है जो स्मार्टफोन है अपने ओरिजिनल प्राइस में दोबारा से आ जाता है। लेकिन कितने लोगों को ये स्मार्टफोन मिला मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन Xiaomi का यहाँ पर दावा है कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक यानी एक घंटे यहाँ पर जो Redmi Note 10 स्मार्टफोन है वो me.com पे कुछ 7,222 रुपये का अवेलेबल था, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने स्मार्टफोन को खरीदा भी है। अब फेक सेल के मामले में ये लोग काफ़ी आगे भी हैं। अब आप क्या यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ट्राई किए हैं? आपको ये स्मार्टफोन क्या यहाँ पर 7,222 रुपये का मिला तो जरूर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल कर जाती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि माइक्रोमैक्स जियो को टक्कर देने जा रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे ये कहा जा रहा है कि जो जियो फोन नेक्स्ट आ रहा है माइक्रोमैक्स भी उसी के प्राइस पॉइंट पर एक नया 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि माइक्रोमैक्स N2B जो स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें आपको यूनिसो का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, इसकी जो प्राइस है वो आपको 5,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगी, जो कि एक 4G स्मार्टफोन होगा। और ये स्मार्टफोन डायरेक्टली कम्पीट करेगा जियो फोन नेक्स्ट को। और इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जो जियो का 5G स्मार्टफोन आने वाला है इंडिया में, सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन आने वाला है, माइक्रोमैक्स उसको भी कंपीट करने की तैयारी में है। और यहां पर आने वाले टाइम में हमें
जियो 5G स्मार्टफोन के दाम पे हमें यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से भी काफ़ी सारे 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं इंडिया में, यानी 5-6 हज़ार रुपये की प्राइस पे हमें माइक्रोमैक्स भी यहाँ पर 5G स्मार्टफोन लेकर के आने वाला है आने वाले टाइम में। देखते हैं यार माइक्रोमैक्स वाले थोड़ा जल्दी जल्दी स्मार्टफोन को लॉन्च करें ना, बस मैं यही चाहता हूँ, और काफ़ी अच्छे इनोवेटिव फीचर वगैरह के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च करें, बस मेरी इच्छा यही है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूँ आपसे यहाँ पर अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल के आती है एयरटेल और जियो को लेकर के। एयरटेल और जियो मतलब यहाँ पर 5G को लेकर के ये लोग, इन लोगों ने काफ़ी बड़ी रेस लगी हुई है। जियो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले 5G को लॉन्च कर दूँ, एयरटेल सोच रहा है कि मैं पहले 5G को लॉन्च कर दूं। अब यहाँ पर दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों का जो ट्रायल है वो काफी सारी जगहों पे ऑलरेडी एक्टिव है, कुछ जगहों पे ट्रायल हो भी चुका है। अब यहाँ पर एयरटेल का जो 5G ट्रायल है वो कल यहाँ पर मुंबई के कुछ पार्ट में ओवर हुआ है, खत्म हुआ है सक्सेसफुली, और 1 Gbps तक की जो स्पीड है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और अब यहाँ पर एयरटेल का ये भी दावा है कि आने वाले कपल ऑफ वीक्स में ये लोग कोलकाता वगैरह में भी यहाँ पर जो 5G ट्रायल है उसको काफी सारी जगहों पर स्टार्ट करने वाले हैं। और जियो भी यहाँ पर लगा पड़ा है 5G को ट्रायल कर रहे हैं, 5G का ट्रायल जियो वाले भी कर रहे हैं काफ़ी सारे जगहों पे। अब देखना होता है कि कौन सबसे पहले यहाँ पर 5G को यूज़र तक पहुँचा पाता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूँ आपसे यहाँ पर अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है पोको की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर पोको क्या कर रहा है अभी आपको पता ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पोको क्या कर रहा है, अपने जितने भी स्मार्टफोन, इनके जितने भी स्मार्टफोन सीरीज़ हैं उसमें ये लोग GT करके एक नया स्मार्टफोन ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे इंडिया में पोको F3 GT स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, और उसके बाद में पोको X3 GT स्मार्टफोन भी लॉन्च होगा। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि पोको M सीरीज में भी हमें यहां पर GT वर्जन देखने को मिल जाएगा। आपको पोको M3 Pro GT और पोको M3 GT के नाम से भी दो स्मार्टफोन पोको की M सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। यार GT ये लॉन्च करने का मतलब क्या है, रियलमी GT, पोको GT, मतलब स्वामी GT, क्या ये GT क्या है? आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। मतलब एक जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च से पहले ही Amazon पे लिस्ट हो गया। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये मैसेज किया कि यार आप Realme 9 स्मार्टफोन सर्च करो गूगल पे, वहाँ पर एक पेज आ रहा है Amazon का ऐड लगा हुआ है और वहाँ पर Realme 9 स्मार्टफोन दिखा रहा है कि ये स्मार्टफोन Amazon पे लिस्टेड है। तो मैंने भी सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मैं भी गया गूगल पे, वहाँ पर मैंने Realme 9 को सर्च किया। आप इस बगल में पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते होंगे, मैंने भी देखा, मैं भी ये हैरान रह गया। Realme 9 को सर्च करने के बाद में यहाँ पर एक ऐसा पेज आ रहा है नीचे जहाँ पर जो कि Amazon का है और वहाँ पर बाकायदे Realme 9 को दिखाया जा रहा है कि Realme 9 है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो Realme 9 खुलेगा। मैंने भी क्लिक किया, Realme के स्मार्टफोन खुल रहे हैं Amazon पे। तो यहाँ पर जो लोग भी सोच रहे हैं कि यार Realme 9 स्मार्टफोन Amazon पे लिस्ट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आए दिन ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और Amazon और Flipkart का ये आए दिन का खेल है कि ये लोग अपने प्रोडक्ट वगैरह को बेचवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं Realme 9 को इन लोगों ने टाइटल में रख करके, अगर आप ओपन करेंगे तो Realme Narzo सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीज़ों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 99K सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर बाकी हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो।